हाँ तो करिश्मा जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि करिश्मा जी के थाने के बाहर से उनकी ही बाइक चोरी हुई है। मैडम सर, कल रात ही करिश्मा जी ने कहा कि उनकी बाइक मरम्मत के लिए दी है। और अगर हुई है तो क्या आप और आपकी पुलिस चोर को ढूंढ पाई है? देखिए, ऐसे में सवाल ये है कि जब पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है तो जनता को सुरक्षित कैसे रख सकती है? क्या ऐसी पुलिस पर जनता भरोसा कर सकती है? बोलिए, कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या इसे आपका एक फेलियर कहें? बोलिए करिश्मा जी, कुछ बोलती क्यों नहीं आप? हाँ, हाँ, हमारा बाइक हमारे आंखों के सामने से चोरी हो गया। हाँ, लेकिन आपके शो के माध्यम से ना, हम वो चोर जो हमें देख रहा है ना, जिसने हमारा बाइक चुराया, उसको ये बताना चाहते हैं, वो बाइक जो तुमने चुराया ना, वो बाइक नहीं, वो हमारे दिल का टुकड़ा है, वो हमारे शरीर का हिस्सा जो तुमने चुराया है। अब तुम कान खोल के हमारा बात सुनो। 24 घंटा के अंदर अंदर अगर हमारा बाइक हमारी आंखों के सामने नहीं आएगा ना, तो मैया कसम 25वें घंटे में दिन और तुम्हारा हुलिया दोनों बिगड़ जाएगा। और कोई सवाल? धन्यवाद। करिश्मा सिंह को नेशनल टेलीविजन पर इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या इमेज बन जाएगी अब उनकी? इतना गुस्सा दिखाना सिर्फ और सिर्फ कमजोरी की निशानी होती है, और अगर ऐसा करने के चक्कर में उनके ऊपर और बड़ी मुसीबत या बड़ी परेशानी आ गई तो कमाल है। क्या हुआ, कुछ पता चला उस चोर के बारे में, कौन था? नहीं पुष्पा जी, हम ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है। ये मामला थोड़ा अलग है ना, इसलिए इन्वेस्टिगेशन वहीं का वहीं है। एक तो हमारी टीम में भी सब टोपा भरे पड़े हैं, किसी को इज्जत का नहीं पड़ा है, किसी को काम का नहीं पड़ा है, सबको एक चीज बहुत अच्छे से आती है, पुष्पा जी, बकैती। अरे देखो देखो देखो, पुलिस भैया, हां भैया, ए पुलिस पुलिस पुलिस, क्या बोलते उसको, निकम्मी पुलिस। अरे अपना मोटरसाइकिल का रक्षा नहीं कर पाई, हमारा रक्षा क्या खास करेगी? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद पुष्पा जी, क्या हुआ? वो हमें आपसे बात करनी है। हाँ कहिए। हमें FIR लिखवानी है। आपको FIR क्यों लिखवानी है? वो हमारी बाइक चोरी हो गई ना। बाइक करिश्मा सिंह की चोरी हुई पुष्पा जी? हाँ, वो बाइक चलाती है मगर वो रजिस्टर हमारे नाम पे है ना। तो पुष्पा जी, आप जो करने की कोशिश कर रही हैं हम अच्छे से समझते हैं, ये केस करिश्मा सिंह का है और हम इसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे। मैडम सर आप समझ नहीं रही हैं, करिश्मा जी ने अभी अभी नई जिम्मेदारी संभाली है, वो आपके बिना ये केस नहीं सुलझा पाएंगी। मैडम सर, आप नहीं जानती मगर हम कहीं भी जाते हैं ना, लोग आजकल हंसने लगे हैं, पुलिस कितनी निकम्मी है, ऐसा ताने मार रहे हैं, हमारा पूरा पुलिस फोर्स बदनाम हो रहा है। मैडम सर पुष्पा, जय हिंद मैडम सर। जय। चाय? रद्द रुद्द पी लेंगे हम। मैडम सर, हमारे साथ तो फिर भी आप है, हम ये सब सह लेंगे, मगर करिश्मा जी तो बिल्कुल अकेली है ना। पुष्पा जी, करिश्मा सिंह खुद अकेली 100 के बराबर हैं, वो संभाल लेंगी अपने आप को, उन पर भरोसा रखिए। मैडम सर, हमें करिश्मा जी पे भरोसा है मगर उनकी जो टीम है उन पर भरोसा नहीं है। मैडम सर, हमें आज तक यही आदत है कि हम सब एक पूरी टीम की तरह काम करते आए हैं, अगर हमें कभी आपकी जरूरत पड़ी तो आप थी हमारे लिए, और कभी आपको जरूरत पड़ी तो हम थे आपके लिए, मगर अभी जब करिश्मा जी बिल्कुल अकेली है तो क्या आप उनके लिए खड़ी नहीं रहेंगी? मैडम सर, आपके जज्बात भी तो यही कहते हैं ना, जब अपनों को जरूरत हो तो अपने ही मदद के लिए आगे आए। हम बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं मैडम सर, ये FIR लिखने के लिए हाँ कह दीजिए। पुष्पा जी, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही जिद्दी हैं? संतोष शर्मा, FIR लिखिए।
क्या चल रहा है मैडम के दिमाग में, बजरंगबली रक्षा करना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मचेगा भौकाल। मैडम आप हमारा स्केच काहे बनवा रही हैं? तुमको इतना पसीना काहे आ रहा है बे? गर्मी है मैडम, गर्मी में तो पसीना आता ही है। अम्मा तुम्हारा सर के बिल्कुल ऊपर पंखा चल रहा है और तुम कह रहे हो गर्मी है? चल तो हमारे अंदर भी बहुत कुछ रहा है मैडम। बहुत 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 बढ़िया भाई साहब, ये आपके लीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जा सकते हैं। देखिए हमें हमारा बाइक चोर मिल गया। मैडम मैडम हमको पीटिएगा नहीं मैडम। हमारा का टोपा इंसान है बे, हम काहे पीटेंगे तुमको? नहीं वो क्या है ना, घबराहट में हम कुछ भी बोले जा रहे हैं। मैडम आप हमारा स्केच बनवाई किस लिए है? घबराइए मत, हम हैं आपके साथ। एक सवाल था मैडम, मतलब आपका प्लान कुछ समझ नहीं आया। आप बादाम खाइए फिर आपका दिमाग चलेगा। ये स्केच हमने हसीना मैडम को भटकाने के लिए बनाया है, क्योंकि हमें पता लगा है कि पुष्पा जी ने FIR लिखवा दी हमारे बाइक के लिए, और हम नहीं चाहते, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे ही बाइक का केस हसीना मैडम हमसे पहले सॉल्व कर ले, समझे? ओ अच्छा, अभी भी समझ नहीं आया मैडम, लेकिन आप कर रही हैं तो अच्छा ही होगा कुछ। अम्मा हम ये केस हसीना मैडम से पहले सुलटाना चाहते हैं, क्योंकि इस केस में सिर्फ हमारा बाइक ही नहीं, हमारे जान हमारा इज्जत दांव पे लगा है। अगर ये केस हसीना मैडम हमसे पहले सुलटा देती है तो हमारा इज्जत का तो मिट्टी हो जाएगा ना, इसलिए हमने ये गड्ढा खोद दिया है। अब हसीना मैडम इस गड्ढे में फंस जाएगी, अब जैसी वो इस गड्ढे से बाहर आएगी तब तक हम चोर को पकड़ लेंगे। क्या प्लान बनाया मैडम आपने, मतलब मजा आ गया। हसीना मैडम अब आप जो कर सकती है ना कर लो। पुष्पा जी आपकी जिद की वजह से हमने FIR तो लिख ली, लेकिन करिश्मा सिंह को हमारा इस सब में इन्वॉल्व होना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। मैडम सर बात उनकी पसंद की नहीं है, बात उनकी भलाई की है, और आप जो कुछ भी करने जा रहे हैं ना उसी में उनकी भलाई है। ठीक है हम मानते हैं कि आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन करिश्मा सिंह इस इन्वेस्टिगेशन में हमें कोऑपरेट ही नहीं करेंगी। हाँ मैडम लेकिन ये स्केच हसीना जी को कैसे भटकाएगा? जब हसीना मैडम हमसे पूछताछ करने आएगी तो हम हसीना मैडम को कहेंगे हसीना मैडम हमको लगता है कि ये जो स्केच है ना यही बंदा हमारा बाइक चुराया है, और जितना हम हसीना मैडम को जानते वो दिन रात एक कर देगी, पर चोर को पकड़ेंगे कैसे? भाई चोर तो हमारे चंपक जी है ना, वो तो उनको कभी मिलेंगे नहीं, तो भटका दिया ना हमने हसीना मैडम को। ये जो लोटपोट हो रहे हो ये पैदाइशी है, सदमा लगा तुमको? मैडम हम तो इसलिए हंस रहे हैं कि आपका प्लान एकदम ठाकू है, इसमें तो हसीना मैडम एकदम फंस जाएगी कंफर्म। मैडम से बहुत ही सावधानी से और जल्द से जल्द हमें ये केस सुलझाना होगा, क्योंकि अगर करिश्मा जी को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगी। वो तो हम जानते हैं। ठीक है पुष्पा जी अब ओखली में सर दे ही दिया है तो मुसल से क्या डरना, देखते हैं क्या होता है। जी आराम आराम आराम, पुष्पा जी हमें थाना ही जाना है कहीं और नहीं। हाँ हाँ। जब काम का बात होता है ना तब इनके फोन नहीं लगते हैं। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। तो करिश्मा सिंह ये है आपका थाना? वही तो जी, स्वागत है आपका हमारे थाने में। शुक्रिया। आइए आइए बैठिए बैठिए आइए। कंप्यूटर मैडम सर के लिए चाय और पुष्पा जी के लिए 5-6 समोसे। अब भी ले आते हैं। बताइए मैडम सर कैसे आना हूँ आपका? बैठ जाइए करिश्मा सिंह, आप थाना इंचार्ज। जी तो बात ऐसी है कि आपकी जो बाइक चोरी हुई है उसकी FIR पुष्पा जी ने हमारे थाने में लिखवाई है, उसी की जांच पड़ताल करने इन्वेस्टिगेशन करने हम यहाँ आए। जी मैडम सर बताइए हम आपका क्या मदद कर सकते हैं? अब बाइक चोरी होने का FIR हुआ तो फिर अब उस पर जांच तो करनी बनती है। मैडम सर हमें तो लगता है इनके बदले हुए बर्ताव की भी जांच होनी चाहिए। आप ठीक कह रही हैं। तो करिश्मा सिंह आपको किसी पर शक है? जी मैडम सर। चंपक
चाहिए मैडम सर। बहुत बार लफंडरबाजी और हवाबाजी करते हुए पाया गया है ये इंसान हमारे थाने के बाहर। आसपास जगह से पूछताछ की, वो सबको भी इसी पे शक है। हे भगवान, इसके तो माथे पर भी मूछे हैं। आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन है इस आदमी के बारे में? नहीं मैडम सर, अभी तक तो इसका कुंडली नहीं निकला, लेकिन जिस दिन निकलेगा ना, उस दिन महादशा बन के बैठ जाएंगे इसका कुंडली में। माफ कीजिएगा मैडम सर, हम भूल गए कि ये केस आपके थाना में आया है, तो ये जज्बात से निपटेगा। हम दूर हैं इस केस से। चाय और समोसा आ गया है। बहुत बढ़िया मैडम, आपकी चाय, आपके चार समोसे। ठीक है। करिश्मा सिंह, आपने अपने आसपास के एरिया की सीसीटीवी फुटेज मंगा ली? जी 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 मैडम सर। ओके, हमें उसकी एक कॉपी चाहिए होगी। आप रुकिए मैडम, मैं जाता हूँ, लेकर आता हूँ अभी। धन्यवाद। ये आसपास के एरिया का फुटेज होगा मैडम सर, क्योंकि जो हमारे थाने के बाहर कैमरा लगा हुआ है वो खराब हो चुका है, तो यहाँ का फुटेज नहीं है। जिन्हें देना है उन्हें दे दीजिए। जी शुक्रिया। सुपर फास्ट छपरा। ठीक तो ना? हाँ हम ठीक है, आप ठीक है? हाँ तो दूर रहिए ना, यहाँ बैठ जाइए, दे दो। ये भूकंप, ये अचानक से भूकंप कहाँ से आ गया? जिंदगी में कुछ चीजें ना मैडम सर अचानक हो जाती है, जैसे हमारे केस में अचानक से आपकी एंट्री। सटके लगा हुआ है मैडम सर, रेलवे ट्रैक ना हमारे थाने से सटके लगा हुआ है, तो जैसे ही कोई ट्रेन गुजरती है तो यहाँ पे सब थरथराने लगता है। आइए मैडम सर, हम आपको वो लोकेशन दिखाते हैं जहाँ से हमारा बाइक चोरी हुआ है। करिश्मा सिंह, आप ठीक तो है ना? आप इतनी आसानी से हमारी मदद कर रही हैं तो गजब है मैडम सर। आप भी, आपका कहा करे आपको तो दिक्कत, आपका कहा ना करे तो दिक्कत, तो आप ही हमें बता दीजिए हम कहा करें। अब लगाना कि आपसे मिले। चलिए हम आते हैं चंपक। करिश्मा सिंह बनेंगी थाना इंचार्ज, बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। चोर सामने है फिर भी दिख नहीं रहा उनको। बहुत शौक है ना करिश्मा मैडम आपको अपना भौकाल दिखाने का? अब हम आपको अपना भौकाल दिखाएंगे, कल नहीं आज। काहे कि हम जो देख रहे हैं ना वो अब आप नहीं देख पाएंगे। बहुत शौक है ना आपको सजा देने का? महिला शक्ति का झंडा अपने थाने में गाड़ती तो ठीक था, हमारे थाने में नहीं। काहे कि यहाँ के हम सब सिकंदर हैं। अब आप अपना बैग पैक कर लीजिए और बोरिया बिस्तर बांध लीजिए। काहे कि अब वो होगा जो आप सपने में भी नहीं सोची होंगी। अब उड़ेगी खबर, पुलिस वाली की बाइक गायब हुई, वो भी थाने के बाहर से। अभी से ही बेचारा के फोटो पर ना इसे फूल माला दिख रहा है संतू जी। बेचारा को मालूम नहीं है ना संतू जी, जिसका बाइक चुराया है ये रिपोर्ट बाद में लिखती है, दंड पहले दे देती है। बेशक हाथों से चला जाइए, लेकिन उसके बाद अपने पैरों से कहीं कभी नहीं जा पाएगा। हाँ हाँ, हम बात करेंगे बहुरानी से, करेंगे।
जीते हैं? कुछ तो हुआ है। पुष्पी को देख, पुष्पी इतनी सैड है। चल पुष्पा जी। पुष्पा जी क्या हुआ, क्यों आप इतनी सैड है? करिश्मा जी की वजह से हमें परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती वो। अब देखो ना, जब से बाइक चोरी का एफआईआर हमने हमारे थाने में लिखा है ना, परेशान करके रख दिया। ठीक तरह से बात भी नहीं करती हमसे और हमारे लल्ला से। ऊपर से लंच के बाद पता नहीं हमें कुछ अजीब सा ही हो रहा है। नहीं नहीं पुष्पा जी, आप अकेले अकेले लंच करेंगी फिर तो ऐसा ही होगा ना। हाँ तो फिर इतने से टिफिन में क्या पूरे पूरे मोहल्ले को भंडारा कराए? पुष्पा जी वैसे लंच का खाई थी आप आज लंच में? कटहल की सब्जी। देखा, मेरी फेवरेट सब्जी थी और आपने मुझे बुलाया तक नहीं पुष्पा जी। एक मिनट। जय मैडम। जीते पुष्पा जी कहाँ है? पुष्पा जी तो यहीं पर है मैडम, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? अम्मा फिर से हमारे टिफिन का अदला बदली हो गया है। उनका कटहल हमारे पास आ गया है और उनके शुद्ध शाकाहारी टिफिन में हमारा चिकन चला गया है। कहीं वो चिकन को कटहल समझ के खा ना ले। ठीक है मैडम, मैडम हम बात करते हैं आपसे। पुष्पा जी आप नॉन वेज नहीं खाती है ना? नहीं नहीं, हम नॉन वेज खाना तो दूर देख भी नहीं सकते, और कभी गलती से देख भी लिया ना तो फिर हमें लगेगा वो मरे हुए जानवर की आत्मा हमारे सामने खड़ी है। नहीं 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 नहीं, शत प्रतिशत शुद्ध शाकाहारी हैं हम। नहीं नहीं पुष्पा जी, आप शत प्रतिशत शुद्ध शाकाहारी थी, अब नहीं रही। मतलब ये आपका और करिश्मा मैडम का टिफिन बॉक्स ना फिर से एक्सचेंज हो गया है। आपका कटहल वो खाई है और अभी आप जो निपटाई है ना वो मुर्गी था। तो ये करिश्मा मैडम तो लो बाप रे, क्या है ये? जय हिंद मैडम सर। चीता, ये स्केच के बारे में कुछ पता चला, कोई इन्फॉर्मेशन? नहीं मैडम सर, अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। अच्छा, और वो जो सीसीटीवी फुटेज था उसके बारे में कुछ पता चला संतोष? नहीं मैडम सर, नहीं। हमें लगता है कुछ तो गड़बड़ है। करिश्मा सिंह हमेशा केस को खुद लीड करना चाहती है, उन्हें नहीं पसंद कि कोई और इंटरफेयर करे। लेकिन इस बार एक सस्पेक्ट का स्केच ऐसे हमें हाथ में थमा दिया, खासकर कि तब जब उनके थाने की इज्जत दाव पर लगी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि करिश्मा सिंह जानबूझकर हमें गलत लीड की तरफ ढकेल रही है ताकि हम उलझ जाएं? आपको क्या लगता है पुष्पा जी? क्या हुआ, आप क्यों सुबह सुबह मुर्गी की आवाज निकाल रही हैं? क्योंकि पुष्पा जी ने मस्त दबा के चिकन खाया है। नहीं, वो गलती से चिकन खा लिया तो वो साइकोलॉजिकली वो मुर्गी की आवाज निकल रही है। हाँ मैडम सर, हमको तो डर भी लग रहा है, जिस रफ्तार से मुर्गी बन रही है ना शाम तक अंडा ना दे दे। हो गया आप सबका, अब हमारी बात ध्यान से सुनिए। करिश्मा सिंह सच बोल रही है या झूठ, ये पता लगाने के लिए हमें उन्हें आजमाना होगा। लेकिन कैसे मैडम सर? करिश्मा सिंह तक ये मैसेज पहुंचाना होगा कि ये जो सस्पेक्ट उन्होंने हमें दिया है वो लीड हमें कहीं नहीं पहुंचा रही, इसलिए अब हम इस इन्वेस्टिगेशन को नए तरीके से फिर से शुरू कर रहे हैं। जैसे ही ये बात करिश्मा सिंह तक पहुंचेगी, अगर चोर की दाढ़ी में तिनका हुआ तो करिश्मा सिंह इस स्केच वाले सस्पेक्ट को जरूर एक्टिव करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो ये आदमी किसी न किसी बहाने से किसी न किसी तरीके से हमसे जरूर टकराएगा, और ऐसा करने से हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। संतोष शर्मा, करिश्मा सिंह से कहिए कि हमें उनसे बात करनी है। यस मैडम सर। भाई साहब, हाल फिलहाल में किसी ने बाइक का डुप्लीकेट चाबी बनवाया आपसे? बाइक का चाबी बनाने वाला एक हफ्ते पहले गांव गया मैम,
हाँ, अगर आपको घर की चाबी बनानी है तो हम डिस्काउंट दे देंगे मैम। ये ले रहे हैं। ठीक है मैम। एक दो दिन में लौटाते हैं। ठीक है मैम। अम्मा ये तो मिस्टर इंडिया हो गया है, नहीं क्या जमीन खा गई उसको या फिर आसमान निकल गया। आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं निकला है ना मैडम। एक काम करते हैं ना, चल के कहीं पे थोड़ा समोसा कचोरी जलेबी निगल लेते हैं मैडम। अम्मा हमारा बाइक चोरी हुआ है, तुम्हें निगलने का पड़ा है। हाँ संतु। मैडम उस स्केच वाले आदमी का कुछ पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए इस केस को नए सिरे से शुरू करने के लिए मैडम सर आपसे मिलना चाहती है। क्या? नहीं हमारा मतलब, हाँ आते हैं, शाम तक आते हैं, ठीक है। लगता है मैडम सर को हमारी किसी बात पे विश्वास नहीं हुआ। इससे पहले कि उनको सच का पता चले, तुमको वो स्केच वाले गेटअप में ना उनके पास जाना है, समझ गए, और उनमें से किसी से टकराना होगा। अरे क्या, अरे मैडम ऐसे कैसे टकरा जाएंगे, कहीं अंदर डाल के हमको कूट दिया तो। तुम्हारे बॉडी में आयोडीन का कमी है क्या, तुम्हारे भेजे में बात नहीं घुसता है। जितना कह रहे हैं उतना सुनो, वरना ऐसा कुछ सुना देंगे कि कान के पर्दे फट जाएंगे। उनसे जाके टकराना है और ये चाबी का गुच्छा वहाँ गिराना है, पकड़ो। मैडम ये तो सब नई चाबियां हैं, इसमें एक भी चाबी बनी हुई नहीं है बाइक की। अम्मा वो थोड़ी ना घुस के देखेंगे नई चाबी है पुरानी चाबी है, तुमको बस इतना दिखाना है कि तुम्हारे पास चाबियों का गुच्छा है जो चोरों के पास होता है, समझ गए जी। मैडम मरने के लिए कहाँ जाना है, हमारा मतलब है कि टकराने के लिए कहाँ जाना है। आज शनिवार है, ठीक दो घंटे बाद पुष्पा जी अमीनाबाद पार्क में जो पीपल का पेड़ है ना उसके नीचे हनुमान जी का मूर्ति रखा है, वहाँ के दर्शन के लिए जाती है, तुमको वहीं पहुँचना है, समझ गए जी मैडम। दर्शकों, पुलिस चोर को पकड़े या ना पकड़े, लेकिन हमारा चैनल लगातार आपके सामने इनकी नाकामियों को लाता रहेगा। ये है हमारे शहर की होनहार पुलिस, जिनकी खुद की बाइक चोरी हो जाती है लेकिन अभी भी चोर को पकड़ने में नाकाम रही है। तो इनसे सवाल ये है कि क्या ये पुलिस लखनऊ की जनता को जुर्म होने से बचा पाएगी या नहीं। ये पुलिस इस बार नाकामी का ठीकरा किस किस स्तर पर फोड़ेगी। करिश्मा जी क्या बोलेंगी इसके बारे में। बहुत हो गया, इनका कैमरा जब्त करना। Excuse me, तुम कैसे कर सकते हो, मीडिया से हैं हम लोग। सुनिए आप मीडिया से हैं तो क्या कुछ भी बकेंगे, हम भी पुलिस वाले हैं, किसी के गुलाम नहीं है यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना। आप ज्यादा हमारे दिमाग का पोस्टमार्टम करोगे ना तो कान में सवाल दाग के तुम्हारे मुंह से जवाब निकाल देंगे, और ऐसी ऐसी धाराएं लगाएंगे ना कि जब मुंह खोलोगे एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सा ना देखा। आपने ये ठीक नहीं किया, इसका खामियाजा आपको भुगतना होगा,